टिकटॉक स्टार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीरे खारजा ब्लावर भुट्टो ने टिकटॉक अकाउंट बना लिया है, और ना सिर्फ इन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाया है बल्कि ट्विटर की जो डीपी है उसको भी चेंज कर दिया, जिस पे लिखा हुआ है फॉलो मी ऑन टिकटॉक। तो नाज़रीन आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछूंगी कि ब्लावर भुट्टो ने जो टिकटॉक अकाउंट बनाया तो उसके ऊपर हमें किस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी और आप क्या देखना चाहते हैं, और इसके साथ साथ शेख रशीद हमें टिकटॉक पे कब दिखाई देंगे, इन सब सवालों का जवाब जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सनाउल्ला। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। ये बताओ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें सबसे जो आपको अच्छा पर्सनालिटी वाला बंदा लगता है कौन है? बिलावल। बिलावल साहब पसंद है आपको? जी, मैं और कोई सुनूं ना सुनूं स्पीच किसी पॉलिटिशियन की, मैं बिलावल की लाइन सुनता हूँ, उसमें थोड़ा सा बंदा फनी हो जाता है। ये है। वो फनी होते हैं या आप फनी होते हैं? वो फनी होते हैं, हमारा फन बन जाता है। अच्छा, कह रहे कि बिलावल भुट्टो ने ना अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया, क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया, उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया और बकायदा ट्विटर पे डीपी लगाई है, जिस डीपी में लिखा हुआ है फॉलो मी ऑन टिकटॉक। फिर तो वो जो है उनका कोहली जो है इंडिया का, वो सबसे आगे है, वैसे उनके जो फॉलोअर्स हैं बिलावल साहब तो बढ़ गए होंगे माशाल्लाह से। लेकिन आप क्या कहेंगे कि उन्होंने टिकटॉक पे अकाउंट क्यों बनाया है? वो तो ऑलरेडी टिकटॉक पे काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं। वो चाह रहे होंगे कि लोग हमारी वजह से मशहूर हो रहे हैं, चलो मैं खुद ही मशहूर होकर देख लूं, उनका ये होगा आइडिया। अच्छा, आपको लगता है उनकी मशहूर होने में कोई कमी है? नॉट फेयर, वो तो कमी क्या, वो तो सारी हदूद जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। ये बताएं जो ब्लावर भुट्टो है वो हमारे कौन से वजीर है? वजीरे खारजा है वो। वजीरे खारजा है, तब क्या जो हमारे जो वजीरे खारजा की जितनी पॉलिसीज वगैरह होंगी वो टिकटॉक पे हमें बताया करेंगे कि एंटरटेन किया करेंगे? जाहिर बात है टिकटॉक पे हुआ करेगा। तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग मशहूर होने के लिए या एंटरटेन करने के लिए वीडियोस लगाते हैं, तो अच्छा है ना, तो टिकटॉक पे आएंगे वो सारी चीजें। वैसे तो कोई लोग कोई चीज देखते नहीं है, टिकटॉक देखते हैं तो पुलिसिस भी सारी वहाँ से फॉलो करते रहेंगे। आपको क्या लगता है इंफॉर्मेटिव के लिए उन्होंने, इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें टिकटॉक बनाई होगी, या बस अपना कहेंगे कि जहाँ मेरे दूसरों के वजह से मिलियन में भी चीजें आती थी अब मैं अपने अकाउंट में मिलियंस बनाऊं? नहीं, बाकी दूसरी बात की है वो ठीक है, ठीक है। आखिर में ब्लावर भुट्टो, अच्छा आप उनके जो चैनल है उनका जो टिकटॉक पे अकाउंट उसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल, उनके फैन है तो करना तो पड़ेगा, जारी बात है करना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ब्लावर भुट्टो ने अपना टिकटॉक पे अकाउंट बनाया तो अब जो शेख रशीद है वो भी बनाएंगे या नहीं? शेख रशीद को ऑब्वियसली बनाना चाहिए, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैन। सर्दी कैसी लग रही है? बड़ी मजे की सर्दी लग रही है। ज्यादा सर्दी है कम है? नहीं, पहले थी ज्यादा लेकिन अभी फुटबॉल खेला है तो कम हो गई है, मजा। आपको देख के लग रहा था अभी तो गर्मियाँ खत्म हुई है? जी देख के ऐसे ही लग रहा है, लेकिन बंदे ये नहीं जानते कि हम फुटबॉल खेल के आए हैं, मैं तो ये भी उतारने को पड़ रहा हूँ, मैं क्या ये भी उतार देता हूँ। यानी कि सर्दियों से बचने के लिए फुटबॉल खेला करें? ये देखें फुटबॉल लेके आया हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं। जिनको सर्दी लगती है वो फुटबॉल खेला करें, फिर वो ऐसे ड्रेसिंग में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, फुटबॉल खेला करें, अच्छा होता है वैसे भी सर्दी भगाने के लिए। पाकिस्तानी लोग ज्यादा बैट बॉल को प्रेफरेंस करते हैं, आप फुटबॉल को क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तानी 70% लोग जो है वाकई क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनमें से 10% लोग ऐसे हैं कि जो फिटनेस के लिए, मैं तो फिटनेस के लिए खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट जो है उसमें मैं नहीं देखता है सच फिटनेस, तो इसलिए फुटबॉल पे आया हूँ कि फिट रहे बंदा। थैंक यू। अब मुझे ये बताएं हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज में उसमें आपकी फेवरेट जो बंदा वो कौन है? एब्सोल्युटली नॉट, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, वो मेरे फेवरेट हैं इमरान खान, उनके लिए जान भी हाजिर है। यही लाइन इमरान खान के अल्फाज में जरा कहें कि जो भी आपने कहा उनके लिए जान भी हाजिर है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और दूसरी बात खान साहब आपके लिए जान भी हाजिर है, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ अपनी जान की आपके लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को थोड़ा मर्दुम शनास होना चाहिए, देखने वाली आंख होनी चाहिए और लीडर को पहचानने वाली। लोग ये हैं कि अपना ताल्लुक देखते हैं पार्टियों में, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान साहब की आवाज़ निकाली है, ब्लावर भुट्टो की हल्की से निकाल सकते हैं? नहीं, उनकी मैं नहीं निकालना चाहता, लेकिन मुझे उनकी मैं बोलना नहीं चाहता था, मुझे पसंद नहीं है वो बंदी। भी कोशिश इतनी बुरी नहीं थी? हाँ जी कोशिश की थी, वो बंदी पसंद नहीं है मुझे असल में। अच्छा,
ये बताएं, हमारे जो वजीर खारजा हैं, इन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाया अपना, क्या लगता है क्यों बनाया होगा? आवाम को खराब करने के लिए बनाया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब, आपको पहली बात तो सियासत में नहीं आना चाहिए। अगर आप आ गए हैं तो आप अपना देखें काम जो है वो करें। ये क्या काम लेके बैठे हैं, इस पे टिकटॉक पे आना बनता ही नहीं। अगर वो टिकटॉक पे हैं, इसके पीछे आपको क्या मकसद लगता है? जो हमारे जो खारजा पॉलिसीज वगैरह वो हमें टिकटॉक पे इसके जरिए इन्फॉर्म करेंगे या एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाया? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया। उनके अंदर का अंदर की वो जागी है, इसलिए उन्होंने की क्या जागी उनके अंदर की कुछ मतलब कोई ऐसी थी उनके अंदर। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आप मुआद है जो टिकटॉक पे देखना चाह रहे हैं? समझ नहीं आई, सॉरी। किस तरह का मुआद है, किस तरह की वीडियो जो है आप उनके टिकटॉक अकाउंट पे देखना चाह रहे हैं? मैं बिलावल के उनको उनके अकाउंट पे क्या चीज़ अपलोड हो सकती है? यही हो सकती है फहाशी फैलाएंगे, जैसे उनमें थोड़ी आते हैं वो प्रमोट करेंगे खुद को। आपसे पहले जिनसे हमने बात की है, उन्होंने कहा वो टिकटॉक के ऊपर ना इमरान खान की तरह सिद्धू मूसे वाले के गाने लगा के स्लोमो बनाएंगे ताकि मुझे भी फेम मिले, मैं भी इस तरह जरा लोगों में हूँ, मेरे स्टेटस लगाएं। आपको क्या ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि महक मलिक के साथ वो कंपटीशन करना चाहता है, बिलावल भुट्टो को टफ टाइम देंगे, महक मलिक को वो टफ टाइम देंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो टिकटॉक अकाउंट इन्होंने बनाया, इनके पीछे शेख रशीद भी आप टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे या नहीं? शेख रशीद साहब तो तैयार बैठे थे, वो तो सोशल मीडिया पे होते हैं कि बिलावल कहीं मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है उन्होंने, हर मतलब उस पे ऐप पे उन्होंने किया हुआ है। अभी टिकटॉक अकाउंट बिलावल ने बनाया तो देखें शेख रशीद साहब आज ही बना लेंगे अकाउंट इंशाल्लाह। उम्मीद क्या चाहते हैं, शेख रशीद बनाएं या ना बनाएं? शेख रशीद बनाएंगे, उनको बनाना भी चाहिए, उनका प्यार है, मतलब उनको करना चाहिए, काम जरूर करना चाहिए, अकाउंट बनाना चाहिए उनको। ये बताएं, टिकटॉक पे तो आपने बता दिया कि कुछ इस तरह अच्छा मुआद देखने को नहीं मिलेगा, अब जरा सीरियस बात पे आते हैं, क्या पाकिस्तान के जो वजीर खारजे हैं उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म पे उनका आना और अकाउंट बनाना आपकी नज़र में ठीक है? अगर उन्होंने ऊपर यूथ ज़्यादा चूँकि टिकटॉक को देखती है और टिकटॉक ज़्यादा यूज़ की जाती है अपने आप को फेम के लिए, वीडियोस अपलोड करने के लिए, तो खारजा जो हमारे वज़ीर खारजा हैं वो इस चीज़ पर आ रहे हैं, तो क्या आपकी नज़र में किस हद तक ये दुरुस्त है? देखें, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि टिकटॉक पर खासकर लड़के वही आते हैं, लड़के लड़कियाँ जो फाइनेंशियल इशू जिनको होते हैं, और बिलावला भुट्टो जो है उनको भी यही इशू है, फाइनेंस के लिए आए हैं। मतलब जितना भी खा लें मिस्टर 10%, जितना भी अमीर हो जाए उनकी वो नहीं भरने वाली, मतलब तो पैसा कमाने के लिए आया है बस, इसलिए और कोई वजह मुझे तो नज़र नहीं आती। अच्छा, एक और आपसे पहले हम स्टूडेंट से बात की, एक ने ये भी कहा कि उन्हें कोई काम नहीं होगा, शायद इसलिए वो टिकटॉक पे आए हैं। हाँ, ये भी ये वैसे वैलिड पॉइंट है, क्योंकि उनको वजीर खारजा बनाया, उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। आजकल वो दौरों पे, जब से वो वजीरे जो खारजा बने तब से दौरे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, काम शाम तो वो कर रहे हैं, उनके पास टाइम तो है ही नहीं इस चीज का। उसको अकल ही नहीं है, वजीरे खारजा उसको बना दिया, बल्कि सबको ही अकल नहीं है अभी मौजूदा हुकूमत को, लेकिन उसको बना दिया है तो ठीक है, सब एक जैसे हैं, वो दौरे ही कर सकते हैं, इसके अलावा वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। बंदा भी नहीं कहा जाता, मैं तो बंदी बोलूंगा बिलावल, और आप लोगों से भी है कि उसको बिलावल भुट्टो ना कहा करें, बिलावल जरदारी बोला करें, भुट्टो की तोहीन होती है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आखिर में जरा ना आप खान साहब की आवाज़ जो कि आपने बहुत अच्छी निकाली है, उसमें बिलावल भुट्टो को जरा डांटते टिकटॉक अकाउंट बनाने पर। ओ बिलावल, मेरा तुमको मशवरा है, टिकटॉक नहीं, अगर तुझे वजीर खारजा बनाया है तो उस पर ध्यान दे, टिकटॉक तुम्हारे बस की बात नहीं है, तू टिकटॉक पर भी कुछ नहीं कर सकेगा, हुकूमत में तो कुछ कर नहीं सकता, टिकटॉक पे भी कुछ नहीं कर सकेगा ये बंदा, फ्लॉप जाएगा इसका अकाउंट, देख लीजिएगा 1 मिलियन अगर इसका फॉलोअर हो गया तो मैं इमरान खान, मुझे आके आप पकड़ लेना, अगर 1 मिलियन इसका अकाउंट हो गया तो, ये मेरा वादा है, ये टिकटॉक पे भी फ्लॉप होगा आप लोगों से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अरुण। क्या करते हैं? मैं फिलहाल कोथन जॉब कर रहा हूँ। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? आई थिंक शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, ऐसा क्यों? बिकॉज आप जहाँ पे खड़ी हैं ये बनाया, कैसे सारा काम किसने करवाया, उन्होंने करवाया, ये हमारे हॉस्पिटल, ये सड़कें, ये पुल, ये मेट्रो बस, ये ऑरेंज लाइन, सब कुछ उन्हीं का तो है। अच्छा, चलो ठीक है, ये इन चीज़ों को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं तो अच्छा है। अब ये मुझे बताएं कि जो हमारे वजीर दाखिला हैं बिलावल भुट्टो, इन्होंने टिकटॉक अकाउंट अपना बनाया है, क्या लगता है क्यों टिकटॉक अकाउंट बनाया होगा? मुझे पता भी नहीं बनाया कि नहीं बनाया, नाम मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने बनाया बस और काम करने को होगा नहीं। बिलावल भुट्टो ने इसलिए टिकटॉक अकाउंट बनाया है कि उनके पास कोई काम करने को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही फ्री हैं, कभी वर्ल्ड कप देखने जा रहे, कभी फिर रहे, मतलब कुछ करना नहीं है, अकाउंट बना लिया, फिर लिया, देख लिया, एंजॉय कर लिया, ये इनके काम करेंगे।
अगर उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर एंटरटेनिंग वीडियोस हमें देखने को मिलेंगे या इंफॉर्मेटिव? इन पे एंटरटेनिंग ही होगी और क्या हो सकता है इसके अलावा, ये देखने को मिलता है हमें। क्या वो खाजा पॉलिसीज जो है वो हम लोगों को इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन टिकटॉक के जरिए मिलेगी? मेरा नहीं लगता इसके मुतालिक मिलेगी, इसके मुतालिक यही मिलेगी घूम रहे हैं फिर रहे हैं जा रहे हैं हो रहा है कर रहे हैं बस। तो ये कहना है हमें जो ब्लावर भुट्टे के टिकटॉक से चीजें मिलेंगी उसमें ब्लावर भुट्टे का घूमना फिरना उठना बैठना। वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं आप देख रहे हैं इसने बुलाया हम ये करेंगे वो करेंगे बस। अच्छा आपको क्या लगता है ब्लावर भुट्टो को देखते हो शेख रशीद टिकटॉक पे आ जाएंगे क्या? उनकी जान है वो आएंगे जरूर आएंगे। आएंगे उनका आना बनता है? बिल्कुल बिल्कुल बनता है। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहूंगा कुछ भी नहीं। आप चाहते हैं शेख रशीद आए? नहीं मैं चाहूंगा मैं क्यों ऐसे कहूंगा क्यों आए ना आए मेरे उनका अपना पर्सनल मामला जो मर्जी करे हम बस देखेंगे जो होगा देख लेंगे। जो देखना चाहते हैं नहीं उन्हें भी देख लेंगे बल्कि जल्दी देख लेंगे। ठीक है थैंक यू सो मच। अस्सलाम आपका नाम? मेरा नाम अदनान अजीज। क्या करते हैं? मैं बीएस केमिस्ट्री कर रहा हूं। टिकटॉक यूज करते हैं? जी करता हूं। टिकटॉक पे किस सियासतदान को आप देखना चाह रहे हैं? क्या बोला मैम? टिकटॉक के ऊपर किस सियासतदान को आप देखना चाह रहे हैं? मैं तो बेसिकली इमरान खान को देखना चाहता हूं। वो तो टिकटॉक पे नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो ने अपना टिकटॉक पे अकाउंट बना लिया है और बाकायदा अपने ट्विटर की डीपी भी चेंज की है जिस डीपी के ऊपर लिखा हुआ है फॉलो मी ऑन टिकटॉक। बेसिकली बिलावल भुट्टो को तो मैं बंदा ही नहीं मानता, उसकी तो सारी एक्टिंग और उसे उर्दू नहीं आती सबसे। अगर टिकटॉक पे उन्होंने अकाउंट बनाया तो उसके पीछे आपको क्या मकसद लगता है? उसका मकसद यही है कि मैं भी इमरान खान की तरह वायरल हूँ लेकिन वो ड्रामा बनाऊं सारी एक्टिंग जी के गाने लगाऊं जी और लेकिन वो जितना करेगा इतना ज्यादा जलील ही होगा। टिकटॉक पे जितनी वीडियोस बनाएंगे इतने ही वो अच्छा क्या क्या पता है टिकटॉक के ऊपर आपको क्या लगता है टिकटॉक के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालने के लिए वो उन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाया है कि यूथ ज्यादा टिकटॉक यूज करती है या एंटरटेनमेंट के लिए? उन्होंने यूथ के लिए बनाया कि जैसे इमरान खान को देखते हैं लोग लाइक करते हैं इस तरह मुझे भी करें लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा कोई फायदा नहीं होगा अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए किया उसने सब कुछ। आखिर में ये बताएं कि टिकटॉक पे ब्लावल साहब तो आ गए हैं, क्या लगता है शेख रशीद पीछे पीछे आएंगे या नहीं? वो तो जरूर आएंगे वो तो उनके घर तक चले जाते हैं उनके पीछे। आपको क्या लगता है शेख रशीद को ऊपर आना चाहिए अब टिकटॉक पर? वैसे आना चाहिए, मजे वाली बात तो यही है उनकी वो मशहूर है। उनका ये कहना है कि जो शेख रशीद है वो जरूर टिकटॉक पे आएंगे क्योंकि उनकी जो मशूका है यानी कि बिलावल भुट्टो है वो टिकटॉक पर आ गए। हम जिस लोगों के से बात करते हैं लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजी, हमारे साथ एक और शेख मौजूद है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम अली। ये बताइए इतनी सीरियस क्यों है? ये बिहेवियर जैसा है। ये बताएं कि आपको सियासतदानों में से ऐसा कौन सा सियासतदान है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? इमरान खान। ऐसा क्यों है? उसकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी तो बिलावल भुट्टो की भी है। नो उसकी पर्सनालिटी नहीं है। उनकी पर्सनालिटी कैसे है? वो ना कुछ शी मेल कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप हो चुका है ना उसकी वजह से उनको इस एनवायरमेंट में ना स्टेबिलिटी के साथ रनिंग करने में मुश्किल आ रही है। उनका कैरेक्टर सही करने के लिए उनको किस तरह की मेहनत करनी चाहिए? उनको करैक्टर वो जेनेटिकली ऐसे डेवलप हो चुके हैं तो उनको बहुत मुश्किल है पानी सर से गुजर गए। हाँ ये बताएं बिलावल भुट्टो ने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया अपना और ट्विटर पे डीपी भी लगाई है जिसमें लिखा हुआ है फॉलो मी ऑन टिकटॉक, लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने टिकटॉक पे अकाउंट क्यों बनाया होगा? बेसिकली वो पॉलिटिशियन है ना वो उनको वो अपनी फॉलोइंग के लिए वोटिंग के लिए यही बनाया होगा। और क्या लगता है टिकटॉक के ऊपर इंफॉर्मेटिव चीजें सुनने देखने को हमें मिलेगी क्योंकि वो हमारे वजीरे खारजा है? वो ना फनी टाइप हो जाएगा उनका अकाउंट क्योंकि इंफॉर्मेटिव नहीं होगी। नो पता चले खारजा पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो हमें टिकटॉक पे दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा? नो नो ऐसा नहीं होगा। किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं? ब्लाउबुटो के रिलेटेड उनके टिकटॉक अकाउंट पे आप किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं? फनी वो ना जैसा भी उन्होंने अकाउंट बना लिया ना उनकी वो फनी कंटेंट आएगा ये तो कंफर्म है। वो कुछ भी करेंगे फनी कंटेंट में। हाँ यस। वो इंफॉर्मेशन भी देंगे तो फनी लगेगा। यस क्योंकि उनकी स्टाइल पे ऐसा उनके स्पीकिंग को उनकी यहाँ जो एनवायरनमेंट है इस पे तो उनकी ऐसी कोई डेवलपमेंट है यानी कि जो वो ना भाई उर्दू में बात कर सकें या ऐसा वो तकरीर पे बहुत मुश्किल है उनके लिए। अच्छा ये बताइए अगर एक मुल्क का वजीर जो खारजा है
वो अगर टिकटॉक पे आ रहा है और क्या वो टिकटॉक पे आके हमें पॉलिसीज के बारे में बताएगा कि किस तरह की खाजा पॉलिसीज है? उसको ये जेब ही नहीं देता कि वो टिकटॉक पे आए, क्योंकि ये उस प्लेटफॉर्म नहीं है उनका, ये तो बेसिक ट्विटर बेस्ट। आप क्या चाहते हैं, शेख रशीद भी अब टिकटॉक पे आ जाए या नहीं? शेख रशीद उसने आके आप क्या करना है टिकटॉक पे? बिलावल साहब आ गए, आप शेख रशीद क्या लगते हैं पीछे पीछे वो भी टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे या नहीं? ज़ाहर है उनका ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है तो बनाएंगे वो। यस, कहते अपनी मशहूर के पिछाएंगे। यस, आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। क्या लगता है आपस में मिलके एक वीडियो बनाएगा दूसरा उसके साथ मिलके डबिंग करेगा? नहीं ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? आखिर में कोई पैगाम बिलावल भुट्टो के लिए टिकटॉक अकाउंट को लेते हुए? यही पैगाम है कि जो इनका स्टेबिलिटी इंप्रूव कर लें ना इस मुल्क में, जैसी उनकी स्पीकिंग है वो उसको इंप्रूव कर लें तो बेहतर है उनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पास एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जिशान। जिशान ये बताओ ठंड कितनी लग रही है? सिंगल लोग हैं, ज्यादा लग रही है। कैसे हमारे जो वज़ीरे खारजा हैं उनको भी बहुत ठंड लगती होगी? वज़ीरे खारजा को तो लगनी है, एब्सोल्युटली उनको लगनी है, वो भी मेरे लिहाज से सिंगल ही लग रहे हैं मुझे। वैसे शेख शीत के साथ उनका आना जाना आजकल देखा नहीं जा रहा, तो सिंगल ही लग रहे हैं मुझे। अच्छा ये बताया, हमारे जो वज़ीरे खारजा है इन्होंने टिकटॉक अकाउंट बनाया है, क्या लगते क्यों टिकटॉक अकाउंट बनाया होगा? टिकटॉक अकाउंट, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो कुछ पाकिस्तानी मुजरों पे हल्का फुल्का डांस ही सही है, क्या करना है, थोड़ा सा डांस करेंगे एलेक्स भट्टी की तरह, थोड़ा सा और क्या करना है, उन्होंने फिल्टर शिल्टर लगाएंगे, मुजरों पे ही करेंगे मुझे लगता है वो, और किसी पे उनका डांस बनता भी नहीं। ये उन्होंने जब पाकिस्तान उन्होंने तो यही कहना है मैं पाकिस्तान की मशीयत बदल के रख दूंगा। प्लीज उन्हीं के तरीके में मैं आऊंगा, पाकिस्तान की मशीयत बदल के रख दूंगा, सारी सूरतेहाल पाकिस्तान कैलेंडर पे पहले नंबर पे होगा। उन्हें उनका काम ही यही है, मजाक से हटके उनका काम नहीं है सियासत, दूर दूर तक उनका काम नहीं सियासत है। आपके ख्याल में सही प्लेटफॉर्म पर आया वो? हाँ ये बात आपने सही की है, असल में ना वो भटके हुए थे वो कहीं इधर उधर उधर, तो अब आपने ट्विटर की डीपी भी चेंज की है और डीपी जो लगाई है उसके ऊपर लिखा हुआ है फॉलो मी ऑन टिकटॉक। वाह, उनके फिर भी नहीं होने, उनको लोगों ने बस सीन करना है, फॉलो नहीं करना, शेख शीत करेंगे इंशाल्लाह। इनका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो को कोई फॉलो नहीं करेगा, शेख रशीद जरूर करेंगे। मैं खुद अकाउंट बनाऊंगा शेख रशीद का अपने नाम से खुद। लेकिन उन्होंने जैसे अपने ट्विटर पे लिखा है फॉलो मी ऑन टिकटॉक की डीपी लगाई, काफी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि लोग उनको टिकटॉक पे देखना चाह रहे थे। हाँ देखना टिकटॉक पे ही तो देखना चाह रहे हैं, वैसे तो वो नजर नहीं आते हैं, टिकटॉक पे आएंगे। एलेक्स एक स्टूडेंट का ये भी कहना था कि जो बिलावल भुट्टो की पहचान है वो शेख रशीद से ही है। हाँ तो शेख रशीद से ही है, नहीं उनकी खुद भी पहचान है, माशाल्लाह पहचान है उनकी, जब सर्दियों में बुरे वक्तों में उनकी याद आ जाती है, बड़ी अच्छी पहचान है उनकी माशाल्लाह, बहुत जरदारी का बेटा है ऊपर से, ये भी पहचान है। ये बताए आपको क्या लगता है कि टिकटॉक पे ऊपर अकाउंट उन्होंने उन न्यूज़ के लिए लगाना चाह रहे होंगे खारजा पॉलिसी के बारे में बताने के लिए, जो लोग न्यूज़ नहीं सुनते स्टूडेंट ज़्यादा, चूँकि टिकटॉक स्नैक लाइक ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो शायद उन्होंने खारजा पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी हो। आप क्या चाहती है हम टिकटॉक पर फिर ये सियासत वाली बकवास सुने? टिकटॉक पर बकवास सियासत नहीं सुनने जाते हम, टिकटॉक पर इंजॉय करने जाते हैं, सियासत व सियासी बातें करनी है उनके लिए और प्लेटफॉर्म बहुत है, टिकटॉक पे उनको तो हम स्वाइप ही करेंगे बस, जैसे ऐसे स्वाइप सिंपल सी। लेकिन टिकटॉक पे अकाउंट बनाने से पहले वो उससे पहले भी टिकटॉक पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे रहते हैं अपने अल्फाज की वजह से, अपनी स्पीच की वजह से। वो तो माशाल्लाह फिर उनमें खसूसियात है ना, ये पाकिस्तानी मर्दों की कमजोरी है ना, लड़की को लड़का बना देते हैं, कभी चीनी को उगा देते हैं, कभी अंडों को किलो कर देते हैं, जैसे पठान है ना उनके साथ, उनका किसी पठान के साथ उठना बैठना हुआ है इसलिए करते हैं, और उसके अलावा वो वैसे भी पाकिस्तान में नहीं रहे हैं, ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में रहे हैं, ये भी इशू है, उसके अलावा उनको पठानों के साथ उठना बैठना है, शी को ही कर देते हैं, ही को शी कर देते हैं, ये भी इशू है। अंडे दर्जन दर्जनों के लिहाज से लेते हैं किलो के हिसाब से, वो कैसे लेते हो वो
वो ना वो किलो के हिसाब से भी लेते होंगे, दर्जन के हिसाब से भी लेते। किलो उन्हें अपने घर लेके जाते होंगे। किलो भी नहीं लेते हैं ना, वो दर्जन में लेते हैं। वो ना किलो लेते हैं, वो दर्जन वो शेर में लेते हैं। मुझे ये बताएं शेख रशीद जो है वो कब तक हमें टिकटॉक में नजर आएंगे? जैसे ही बिलावल भुट्टो की आईडी बननी है, मैं कहता हूँ शेख रशीद ने ये खबर सुनने से पहले ही आईडी बना ली है। वो इस इंतजार में बैठे हैं कि अब बाय नोटिफिकेशन बिलावल भुट्टो सर्च ही कर रहे हैं ऑफिशियल बिलावल भुट्टो की। वो अभी मैं कहता हूँ उसने उन लोग शेख रशीद ने अभी तक कोई 100 मरतबा चेक कर लिया होगा सर्च पे जाके कि बिलावल भुट्टो अभी आए हैं कि नहीं आए हैं टिकटॉक पे। वो तो इंतजार में बैठे कहते हैं शेख रशीद को टिकटॉक पे आ जाना चाहिए, तो लेवल हो जाएगा कि नहीं आना चाहिए? लेवल हो जाएगा, मैं कहता हूँ वो उनकी टिकटॉकर्स पीछे रह जाएंगे सारे टिकटॉकर। उसके अलावा उनकी हर वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का एक व्यू तो बढ़ेगा, फॉलोअर भी, हर वीडियो पे कमेंट भी आएगा शाला लाला उफ। ये एक रास की बात है, इसका उर्दू तर्जमा नहीं बताना, ये खान कोई होगा वो समझ जाएगा। बहुत शुक्रिया, जो लोग खान है वो समझ गए होंगे। चले ठीक है, आखिर में कोई बिलावल भुट्टो को अकाउंट के लिहाज से देखते हो कोई पैगाम? बिलावल भुट्टो जरदारी को भुट्टो नहीं कहूँगा मैं, जरदारी कहूँगा। बिलावल जरदारी को यही पैगाम है, ओ खुदा दया बंदिया, वो खुदा दया बंदिया, कोई चज का काम कर ला, चज का काम कर ला, झूठे लहना फिरना मुल्क के खर्चिया से बाहर है, तेन कोई अल्लाह का वास्ता ही चाहिए काम कर ला, तू किड़े कमां च पै गया, टिकटॉक नू छड़ दे, कुछ नहीं पिया टिकटॉक च। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसन महबूब। देखिए अब तो सर्दी लगती है। जी सर्दी तो है, तो जारी बात लगेगी। अच्छा ये बताए सर्दी में आप का ज्यादा क्या दिल करता है पीने का? चाय। चाय? कभी सर्दी में, फुल सर्दी में दिल के यार कोक पी लूं, चलो दरमियानी पी लूंगी लेकिन कोक पी लूं। बेसिकली मैं कोक नहीं पीता, मैं ड्यू पीता हूं, तो अक्सर दिल करता है कि यार ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। यही बात है। अब मुझे ये बताए बिलावल भुट्टो ने टिकटॉक पे अकाउंट बना लिया, क्या लगता है क्यों अकाउंट बनाया होगा? मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो मोटिवेट करें आवाम को, यानी टिकटॉक के जरिए बिलावल भुट्टो सबको मोटिवेट करेंगे किस काम के लिए? के जो भी आपके जो सामने देखे जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको मतलब के किस तरह वो हैंडल करें अपनी सिचुएशन को, और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे टिकटॉक के ऊपर, हो सकता है। ये तो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कंटेंट, आप किस तरह का कंटेंट उनके टिकटॉक अकाउंट पे देखना चाह रहे हैं। बेसिकली अगर बात करें तो यही है, कोई स्टूडेंट है वो यही मशवरा देगा कि उनको मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प करें। फ्लावर भुट्टो सबको मोटिवेट करते हैं, तो आप उनसे मोटिवेशनल चीज़ें लेंगे या नहीं, आप देखेंगे आगे स्किप कर देंगे? मैं देख के ऐसे स्किप कर दूंगा, बड़ी अच्छी तरीके से मशवरा भी दे रहे हैं और स्किप करने का भी कह रहे हैं। जाहिर बात है बिलावल भुट्टो को कौन देखे, उन्हीं को तो देखते हैं ये। अच्छा ये कह रहे हैं हमारे कैमरामैन साथ आए, इनका ये कहना हम देखेंगे बिलावल भुट्टो को, आप भी देखेंगे जी? बिलावल यूथ आइकन है, आप जैसे उन्होंने उस दिन स्पीच की थी सिक्योरिटी काउंसिल में कौमी मुत्तहिदा में, तो बहुत अच्छी उन्होंने बातें की थी, जिस तरह उन्होंने मोदी को ललकारा, इससे पहले पाकिस्तान के किसी जो है ना फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। एक ऐसा कदम है, मतलब बेशक वो एक पॉलिटिकल स्टंट ही था उनका, लेकिन फिर भी किसी ने आवाज़ तो उठाई है, ये इसको जो है ना हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए इन चीज़ों में। अच्छा बिलावल भुट्टो ने जैसे कि अपना टिकटॉक अकाउंट बना लिया और ट्विटर के ऊपर अपनी डीपी चेंज करके उसके ऊपर लिख दिया फॉलो मी ऑन टिकटॉक, क्या लगता है क्यों टिकटॉक अकाउंट बनाया होगा? ज़ाहिर है देखें विद द टाइम वी हैव टू प्रोग्रेस, और जैसे सारी दुनिया टिकटॉक की तरह स्विच हो रही है, आपके सारे स्पोर्ट्समैन स्विच हो रहे हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर स्विच हो रहे हैं, सारी पॉलिटिकल कंपेन टिकटॉक के थ्रू हो रही है। इसी हलके की बात करें, शबीर गुजर ने आधा इलेक्शन टिकटॉक के थ्रू जीता, अच्छी चीज़ है, दुनिया टिकटॉक के ऊपर उसका मैसेज आएगा लोगों तक। बिलावल भुट्टो ने टिकटॉक इसलिए अकाउंट्स पे बनाया था कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनको जाने वहाँ पर, क्योंकि उनको अगर जाना जाता है तो शेख रशीद की वजह से जाना जाता है, तो ऐसा आप इस बात पर एग्री करते हैं? शेख साहब का तो फिर वो अपना है ना, उनका मोहब्बत है उनके साथ बिलावल के साथ, तो क्या लगता है शेख रशीद भी आप टिकटॉक पर जल्दी नजर आएंगे या नहीं? आना तो चाहिए उनको, उनका शिकवा और जवाब शिकवा आना चाहिए, कहना है कि आना चाहिए शिकवा और जवाब शिकवा भी इधर हमें देखने को मिलेगा। हाँ जी उधर जैसे मॉडर्न डेज है, आपस में नाराजगी हो जाए कपल्स की तो अनफॉलो,
और एक दूसरे के खिलाफ वीडियो, तो ये अच्छा ट्रेंड है, इन दोनों को भी शुरू करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। आदि अब्दुल रहमान, ये बताएं ब्लावल भुट्टो ने टिकटॉक अकाउंट बनाया है, क्या लगता है क्यों बनाया होगा? ब्लावल भुट्टो को मुझे लगता है काफी फेम मिलेगी, क्योंकि वो उसकी जो थोड़ी बहुत मिलना जुलना है ना, वो काफ़ी मुशाबत जो लड़कियों से है, तो ये है कि वो अच्छे अच्छे टिकटॉक बनाएंगे मेरे हिसाब से, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाएंगे और उसे पार्टी में मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। साथ में कोई उनके मतलब जो और भी खवातीन हैं, अगर वो भी साथ उसके आके अकाउंट को फॉलो करें तो काफ़ी अच्छा उसे जो रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, वो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, एक पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा का टिकटॉक अकाउंट के ऊपर आ रहा है, तो क्या लगता है ये हमें पॉलिसीज बताने के लिए, ख़ारजा पॉलिसीज के लिए इन्होंने बनाया होगा कि मैं यूथ को बता सकूं मैं क्या करूं, क्योंकि यूथ ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करती है, ये अपनी इंटरटेनमेंट के लिए? ये असल में यूथ को वैसे तो बिलावल भुट्टो का पता नहीं है, बिलावल भुट्टो को ज़्यादातर लोग जानते हैं शेख रशीद साहब की वजह से, वैसे उसे इतना कोई खास जानता नहीं। उसने कहा चलो एक और प्लेटफॉर्म लेके आते हैं जहाँ पे लोगों को बताया जा सके कि मैं वाकई वज़ीर ख़ारजा हूँ, और उन्होंने प्रॉपर अकाउंट में आई थिंक के उसने मेंशन भी किया होगा कि वज़ीर ख़ारजा। तो ये है कि लोगों को ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड भी या दूसरे भी हैं, वो फिर ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो जारी सी बात है टिकटॉक से तो पता चल जाएगा कि ये बिलावल भुट्टो साहब हैं और ये हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। क्या लगता है इसके ऊपर हमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेगी या बिलावल भुट्टो की कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी ट्रेंडिंग जाती हैं? इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ से टिकटॉक से मेरे हिसाब से वज़ीर ख़ारजा के वो जो डांस वीडियो हो वो तो वायरल हो सकती है। अब उस पर वो बैठ के मईशत के बारे में बताने से तो रहा कि वो मईशत के बारे में कोई चीज़ उधर पूरे का पूरा एक थ्योरी लिख के भेज दे या कोई समरी लिख के भेज दे, मैंने आज ये 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 किया या मैं इसको मिल के आया हूँ इसको जाना है, वो बेचारा अमेरिका में गया हुआ है कोई मुझे लगता है एक हफ्ते से वो गायब है उधर, तो उधर बैठ के किसी रूम में बैठ के बनाएगा वो टिकटॉक। वैसे तो मेरे हिसाब से वो टिकटॉक पर आके और तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा। क्या लगता है ब्लावर भुट्टो को देख के शेख रशीद भी जो है टिकटॉक पे आ जाएंगे या नहीं? आना चाहिए, लेवल हो जाएगा। लेवल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि बिलावल भुट्टो ने टिकटॉक अकाउंट इसलिए बनाया ताकि लोगों को बता सके कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, और दूसरा ये कि लोगों का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो को जो हम जानते हैं वो हम शेख रशीद की वजह से जानते हैं। इसी के साथ अपनी हौसले हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।